ये अपना मेन एक्सटेंशन रोड है जहाँ पे अभी हम चल रहे हैं, और ये अंडरपास आता है जो वाटिका चौक वाला अंडरपास है। यहाँ से सोना चले गए लेफ्ट, यहाँ से राइट गए गुड़गांव, सीधा चले जाते हैं हम SPR। ये वाटिका चौक को क्रॉस करते ही जस्ट अपनी प्रॉपर्टी है, बहुत प्यारी लोकेलिटी, बहुत अच्छी लोकेशन के अंदर बिल्डर फ्लोर है। ये वाटिका चौक है, सिर्फ ये हमें क्रॉस करना है और जस्ट फर्स्ट लेफ्ट पे अपनी प्रॉपर्टी है। तो मेन रोड पे बैंक ऑन प्रॉपर्टीज है अच्छी लोकेलिटी के अंदर, तो सीधा आपको लेके चलते हैं लोकेशन पे। तो जी यही लोकेशन की मैं बात कर रहा था, पूरा गेटेड कम्युनिटी है, बहुत छोटे से ब्लॉक है। यहाँ से हम गेट से करते हैं एंट्री, एक ये रोड एंड इससे आगे वाली एक रोड, बस ख़त्म हो जाता है। इतने में हमारा ब्लॉक गेटेड ब्लॉक है, पूरा छोटा सा ब्लॉक है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है जी आपको घूमना पड़ेगा फिरना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ब्लॉक है, छोटी सी डेंसिटी की सोसाइटी है। ये वाले प्लॉट आप देख पा रहे होंगे, टू साइड ओपन ये बिल्डर फ्लोर्स है, यहाँ पे आपको 180 गज का साइज़ मिलेगा, और ये आप देख पा रहे होंगे 155 गज के फ्लोर्स है। इसका सैंपल रेडी है, ये आपको मैं दिखाने वाला हूँ। बाकी काम क्वालिटी प्यारी चीज़ है, आपको दिखाते हैं, रेटों में ऑप्शंस है, बिल्कुल बैंक ऑन SPR जैसे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था। बाकी चीज़ें आप देखोगे, क्वालिटी आप देखोगे तो देखते रह जाने वाले। ये जी अपना बिल्डर फ्लोर की स्टिल्ट एरिया। अभी क्या है, ये वाला जो पार्ट है बिल्डर ने यहाँ पे कर दिया अपना ऑफिस रेडी, बट ये पूरा पोर्शन हम देख पा रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा सामने सामने जो चीज़ें हैं, अभी तो यहाँ पे एज ए ऑफिस उन्होंने बना दिया है, बट ये स्टिल्ट का एरिया है। यहाँ पे पूरी आपको यहाँ पे पार्किंग का स्पेस मिलता है, एंड स्टिल्ट से हम चलते हैं अपना ये लॉबी की तरफ। अपना साइज़ देखे जाओ, अब कुछ नहीं देखना आपको, दो लिफ्ट आपको मिलती है, 1 और 2, दोनों लिफ्ट दो फ्लोर हुए जोड़े में बने हुए, इस तरफ एक फ्लोर, इस तरफ एक फ्लोर, एंड ये स्पेस आप देखो, आपको ना इतना सीढ़ियों का स्पेस 300 स्क्वायर यार्ड की बिल्ड ऑफ फ्लोर में नहीं मिलेगा। यहाँ पे हम गए ऊपर आ गए, अपना फर्स्ट फ्लोर पे सैंपल फ्लोर रेडी किया है, बाकी लिफ्ट चौथे फ्लोर तक जाएगी। सामने सामने दो फ्लोर है, दो जोड़े में प्लॉट है। हम यहाँ से करते हैं जी घर के अंदर एंट्री, आपको सिंपल सा लेआउट मैं बताता हूँ, ठीक है जी। अभी हमें फ्लोर के अंदर ये स्पेस आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ड्राइंग डाइनिंग का स्पेस है, ये पूरा स्पेस आपको जो दिख रहा है, एक बेडरूम ये, एक बेडरूम ये, और एक बेडरूम पीछे की तरफ, यहाँ पे मंदिर का स्पेस, एंड ये आ जाता है अपना किचन का स्पेस। किचन का साइज़ आप देखो, कलर कॉम्बिनेशन आप देखो, जो आपको दिख रहा है किचन के अंदर सब कुछ अपने को एज इट इज़ मिलने वाला है। और डबल टैप सिंक, जैक वायर की फिटिंग, एलिका की चिमनी एंड हॉब, प्यारा काम है जी इनका, बहुत बेहतरीन काम करते हैं। किचन साइज़ आप देख लीजिए, ड्राइंग डाइनिंग का स्पेस आपके सामने है, यहाँ पे मंदिर इन्होंने दे दिया है, डेडिकेटेड स्पेस दे दिया है, बहुत बंदे नहीं देते, इन्होंने सारी चीज़ें दी हुई, डेडिकेटेड आपको स्पेस दिया हुआ है मंदिर का। यहाँ से की थी हमने एंट्री, आप चाहो उस साइड का फ्लोर लो या फिर इस साइड का फ्लोर लो, काम जो घर में आप देख रहे हो ना सब कुछ एज इट इज़ मिलेगा। मूवेबल आइटम हम हटा देंगे सिर्फ इसमें से, बेड सोफ़ा डाइनिंग टेबल वगैरह ये, बाकी जो आप देख रहे हो कंसोल वगैरह, आपने वो पैनलिंग पीछे देख रही है, ये काम वुडन का काम, जो भी आप काम देख रहे हो पीछे वॉल्स पे काम, सब कुछ अपने को एज इट इज़ मिलने वाला है। डाइनिंग का स्पेस, ड्राइंग का एरिया, ये वाला मेन स्पेस हो गया, बाकी ऊपर स्टैंडर्स वगैरह आप देख रहे हो, फैन वगैरह सब कुछ अपने को एज इट इज़ मिलते हैं। ये एक एक्स्ट्रा स्पेस है जो साफ्ट के तौर पर यूज़ किया जाता है, बट आपको ये स्पेस रेडी करके दिया जाएगा एज ए छोटा स्टोर रूम, ठीक है। ड्राइंग डाइनिंग का स्पेस हो गया, हमने किचन इसका देखा, ये आ जाता है जी एक बेडरूम, जो बेडरूम नंबर 1 हम इसको बोल देते हैं, ये घर का बैक साइड वाला एरिया, फ्रंट आपको लेके चलूँगा। ये आ जाता है बेडरूम नंबर 1, जिसके साथ कॉमन वॉशरूम है। ये बेडरूम के साइज़ आप देखो एक बार, आप क्वालिटी देखो, वुडन प्रिंटिंग टाइल्स के साथ पीछे जो वॉल्स पे काम है या फिर ऊपर हम सीलिंग का काम देख रहे हैं। 3 सेक्शन वार्डरोब आपको मिलती है। बेड का साइज़ आप देखो, पूरा किंग साइज़ बेड लगाया हुआ है इस बिल्डअप फ्लोर में, लेकिन आपको वो नहीं लगेगा जी बेडरूम छोटे, क्योंकि है ही नहीं, बहुत अच्छा साइज़ निकाला हुआ है। आप इसी से अंदाज़ा लगा लो, 2x4 की टाइल्स है ये, तो क्या अपने को साइज़ मिलता है। एंड वॉल्स पे काम, सीलिंग पे काम, सब कुछ एज इट इज़ मिलने वाला है। यहाँ से भी आपको बालकनी का एक्सेस मिल जाता है। उससे पहले ही हम देख लेते हैं इसका वॉशरूम। वॉशरूम में आप देखो पूरा चेक वायर की फिटिंग है, इलेक्ट्रिक मिरर वगैरह सारा काम, यार इतना सूदिंग काम क्या हुआ है ना, इस बजट रेंज के अंदर नहीं मिलते ये बिल्डर फ्लोर जो आपको हम देने वाले हैं। एक आप जब गुड़गांव में लेके आते हैं ना जी, मेरा तो 80-85-70-75 वाला बजट है, आपको न्यू गुड़गांव भेज देंगे या फिर भेज देंगे सोना, लेकिन आपको मेन गुड़गांव के अंदर, आपको यहाँ से साइबर हब आप चले जाओ या फिर कहीं भी चले जाओ, 10 से 15 मिनट के अंदर आप गुड़गांव के किसी भी कोने में जा सकते हो। तो ये लोकेशन है, काम आप देख लो, क्वालिटी आप देख लो। ये वॉशरूम है अपना जैक्वार फिटिंग के साथ, बाकी यूटिलिटी बेड एरिया अपना पीछे आ जाता है, एंड सिलेंडर वगैरह जो आपका रखा जाएगा किचन के पीछे वाली ये बालकनी, यहाँ पे आप सिलेंडर वगैरह रख सकते हो, टैप एरिया यहाँ पे दिया हुआ है। और ये पूरा जो गैप आप देख रहे हो उस तरफ भी हमारे इन्हीं बिल्डर के बिल्डर फ्लोर बन रहे हैं। यहाँ पे वाटर टैंक है, हर फ्लोर को अलग सेपरेट वाटर टैंक, 4 फ्लोर के परफेक्ट बिल्डर फ्लोर है,
पूरी एक कम्युनिटी वाली फील यहाँ पे रहने वाली है। हम अगेन आगे अपने बेडरूम नंबर 1 जो हमने देखा था, हम ड्राइंग डाइनिंग किचन बाथरूम मंदिर ये पूरा स्पेस देख ही चुके। अब हम चलते हैं जी अपना बेडरूम नंबर 2 के अंदर। ये आप बेडरूम के साइज़ देखो, अब आप अपना चीज़ें देखो क्या प्यारा मिलने वाला है अपने को साइज़। यहाँ पे मैंने जैसे आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था 155 और 180 गज के साइज़ मिलते हैं अभी हमें 155 के लेआउट के अंदर। और ये 155 यार साइज़ जो इसमें मिलने वाला है, ये 3 बेडरूम और 2 वॉशरूम वाला बिल्डअप फ्लोर है। यहाँ पे बेड का आप देखो पूरे किंग साइज बेड लगाए हुए हैं। रूम के साइज आप एक बार कॉल करके लेआउट मंगवाओ मेरे से, मैं आपको लेआउट सेंड करूँगा जब आपको पता चलेगी कि क्या यहाँ पे साइज है। बाकी 3 सेक्शन वार्डरोब, ऊपर आप सीलिंग का काम देख ही रहे हो, काम जो आप देख रहे हो उस घर में सब कुछ अपने एजिटीज मिलेगा। पीछे वॉल्स पे काम देखो, कवर्स देखो, कर्टन देखो, या फिर फैन वगैरह, या फिर सीलिंग का काम जो आपको ऊपर दिख रहा है। इसके बाद आगे जी अपना वॉशरूम नंबर 2, यहाँ पे भी जैकवार की फिटिंग, वॉशरूम के साइज देख लीजिए आप, और पूरा चेकवार की फिनिशिंग आपको मिलती है पूरे इलेक्ट्रिक मिरर वगैरह के साथ। हमने इसके 2 बेडरूम देख लिए, ड्राइंग डाइनिंग का स्पेस देख लिया, अब हम चलते हैं अपने बेडरूम नंबर 3 के अंदर। आप बताओ आप मिस करना चाहोगे ऐसी प्यारी लोकेशन पे ये बिल्डअप फ्लोर। ये आ गया अपना बेडरूम नंबर 3। ये आप बेडरूम देखो, ये किड्स बेडरूम टाइप है, बट इस बेडरूम का भी काफ़ी अच्छा साइज इन्होंने दिया हुआ है। फ्रंट वाले दोनों बेडरूम बालकनी को कनेक्ट करते हैं, बालकनी का भी बाहर क्या है कि एलिवेशन का काम चल रहा है, इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा काम चल रहा है। बाकी सामने रोड बहुत छोटी है, पीछे आप जो वॉलपेपर देख रहे हो चॉइस आपको मिल जाएगी, काम की क्वालिटी आप देख लीजिए। तो बताइए जी आपको ये बिल्डअप फ्लोर कैसा लगा। आई होप आपको इस बजट सेगमेंट के अंदर ऐसा बिल्डअप फ्लोर मेन सेक्टर्स के अंदर, क्योंकि ये आप ना, मैं आपको मानेसर नहीं लेके जा रहा, मैं आपको सोना नहीं लेके जा रहा, मेन सिटी के अंदर आपके लिए बिल्डअप फ्लोर लेके आया हूँ। 185 CR आस्क प्राइस के साथ अभी स्टार्ट है, नेगोशिएशन प्राइस है। मैंने बताया आपको नेगोशिएशन आपका बेस्ट करा के दूंगा, बेस्ट बिल्डअप फ्लोर आपको मिलने वाला है। काफ़ी यूनिट अवेलेबल है, 180 गज चाहो आप 180 गज ले लो, 155 गज का सैंपल आपको दिखाया, 155 3 बेडरूम 2 टॉयलेट, 180 गज आपको 3 वॉशरूम और 3 ही बेडरूम उसमें मिलेंगे, उसका तो लेआउट और गजब है, 2 साइड ओपन बिल्डअप फ्लोर्स है। तो नीचे नंबर दिया हुआ जी, कॉल करो, विजिट बुक करो, प्यारा ऑप्शन आया हुआ है प्यारी क्वालिटी के साथ, इसको मिस मत करना, वरना ना बाद में आपको ये ऑप्शन कभी नहीं मिलेगा।